अच्छा जी बच्चों इधर देखिएगा, रूल नंबर वन हो गया क्लियर सबको? Yes, आवाज नहीं आई? Yes, शाबाश। अब रूल नंबर टू, बेटा जब भी आपने आगे को जाने या आपने पीछे को आने या आपने ऊपर को जाना, तो फिर मार्कर का एक किनारा लगाना। फिर मार्कर के कितने किनारे लगाने हैं? फिर एक किनारा, और लफ्ज़ जो है वहां से कैसा हो जाएगा? बारीक। लफ्ज़ कैसा हो जाएगा? बारीक हो जाएगा। वहां से हरफ कैसा हो जाएगा बेटा? बारीक। रूल नंबर टू क्या है बेटा? जब भी आपने पीछे को जाने, जब भी आपने आगे को जाने, जब भी आपने ऊपर को जाने, तो कितने किनारे लगेंगे? एक। कौन सा एक? ये उनसी ऊपर वाला किनारा नजर आ रहा है आपको? Yes, ये बारीक करने का काम करता है। ये क्या करता है? दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। आपने मुझे बताना कितने किनारे लगेंगे इधर? याद हो गया? Yes, sir। कि जब भी नीचे को आना है तो दो किनारे लगेंगे, उसके अलावा हर जगह पर एक किनारा, और कौन सा होगा वो? ऊपर वाला किनारा। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात ये हो गई, दूसरी बात अब सुनिएगा। अगर हमें साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में मोटा भी करना पड़ जाए और बारीक भी, तो फिर क्या करेंगे? एक्सीलेंट, शाबाश, क्लैपिंग कर दें इस बच्चे के लिए। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये जेलसी वाली क्लैपिंग नहीं करनी है, अप्रिसिएशन वाली करें जरा एक दफा, शाबाश। अच्छा जी बेटा जी, मार्कर को अपनी फिंगर्स में रोटेट करना है। क्या करना है? जैसे सालन में नमक डालने के लिए रोटेट नहीं करते ऐसे ऐसे थंब को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के ऊपर, करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ही मार्कर को हाथ में रख के इसको रोटेट करना है थंब को, समझ आ रही है? ये मार्कर घूमेगी, तो फिर जब घूम रही होगी मार्कर, कभी एक किनारा लगेगा, कभी दो, कभी एक, कभी दो, कभी दो, कभी एक, कभी एक, कभी दो, तो मार्कर को रोटेट करना है आपने फिंगर्स में। क्या करना है? रोटेट करना है, घुमाना है मार्कर को, फिर कभी एक किनारा लग जाएगा और कभी दो किनारे। लेकिन ऐसा ना हो पक्का वेल डन की हुई है, मार्कर को जोर से पकड़ा हुआ है, बच्चे कहीं लिख रहे होते हैं और बाद में ऐसे ये मार्कर को छोड़ के ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, बड़ी दर्द हो रही है हाथ, तो जोर से पकड़ा हुआ होता है उन्होंने कि वेल डन हो गई हुई है, ये मार्कर दौड़ जानी है कहीं, तो इसको आराम से और रिलैक्स से पकड़ना है, थकेंगे नहीं, सारा पेपर भी लिख लेंगे, थकेंगे नहीं, ठीक है, रिलैक्स पकड़ना है। यस, नो इशू। अच्छा बेटे इधर देखिएगा, बेसिकली हम कारियस लिए रहे हैं, बेसिकली तुम जानते हो मैं क्यों रो रहा हूं? तुम जानते ही नहीं इसलिए रो रहा हूं। अगर वो पूछ लें कि क्या गम है, तो फिर क्या गम है अगर वो पूछ लें। इधर देखिएगा बेटा, ऊपर को जाएंगे तो एक ही नारा, नीचे को आएंगे तो आपकी एनर्जी डाउन है, लगता है ब्रेक में खाया कुछ नहीं। नीचे को आएंगे दो किनारे, ऊपर को जाएंगे तो एक किनारा, पता चल रहा है इसका कि नहीं चल रहा? तो यहां से बारीक हो जाएगा और यहां से मोटा हो जाएगा। ऊपर को जाएंगे एक किनारा, नीचे को आएंगे तो, फिर ऊपर को जाएंगे तो, नहीं समझ आ रही मेरा ख्याल है, आ रही है बात समझ में? नीचे को आएंगे दो किनारे, ऊपर को जाएंगे तो, तो जब दो लग रहे होंगे बाद में एक कैसे लगेगा? मार्कर को क्या कर देना है? रोटेट कर देना, फिंगर्स में मार्कर को रोटेट कर देना, खुद ब खुद ही मोटा बारीक करती जाएगी। ठीक है बेटा, नीचे को जाएंगे दो किनारे और ऊपर को जाएंगे तो एक किनारा। क्लियर है बेटे जी? ठीक है जी, ऊपर को जाएंगे तो एक किनारा, नीचे को आएंगे तो, फिर ऊपर को जाएंगे तो एक किनारा। ये देखें बेटा, नीचे को जाएंगे दो किनारे, ऊपर को जाएंगे तो एक किनारा, ऊपर को जाएंगे तो एक किनारा, नीचे को आएंगे तो दो किनारे। अब भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा जी?
आपको ये तो पता ही होगा कि जिसका ये ठीक हो गया उसकी सारी ठीक हो जानी आगे। तो इन पे फोकस करने ज्यादा जोर लगाने यहाँ पे, अगला काम ऑटोमेटिकली हो जाना है। अगर ये ठीक ना हुआ तो फिर आगे वाला काम कभी भी दुरुस्त नहीं होगा, तो लिहाजा इसको ठीक करने। अब प्रैक्टिस किस तरह से करना है बेटा, ये देखो, अब यहाँ से शुरू करना है आपने। एक ही वक्त में मोटा भी करना है और एक ही वक्त में बारीक भी करना है। अब वो कैसे होगा बेटा, ये देखो, ये देखें, ऊपर को जाएंगे तो एक किनारा, बाद में नीचे को आने तो कितने किनारे, मार्कर को घुमा देना राइट साइड की तरफ तो दो लग जाएंगे। समझ आई इसकी कि नहीं आई? पीछे वालों को मैं भी नजर ना आए। नीचे को आएंगे दो किनारे, ऊपर को जाएंगे तो एक, ऊपर को जाएंगे एक, नीचे को आएंगे दो, फिर ऊपर को जाएंगे तो एक, ऊपर को जाएंगे एक, नीचे को आएंगे दो, ऊपर को जाएंगे एक, नीचे को आएंगे दो, ऊपर को जाएंगे एक, ऊपर को जाएंगे एक किनारा, नीचे को आएंगे दो किनारे, फिर ऊपर को जाएंगे एक किनारा, ऊपर को जाएंगे एक किनारा और नीचे को आएंगे तो दो किनारे। नहीं समझ में आई अभी बात आपको? तो पांच पांच लाइनों में एक एक शेप की प्रैक्टिस करनी है। पांच लाइनों में ये, 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 पांच लाइनों में ये और पांच लाइनों में ये। लेकिन लेकिन सबका एंगल कैसा होना चाहिए? तिरछा। किसी का भी जाविया सीधा और दूसरा जब नीचे को आ रहे होंगे तो क्या करेंगे? मोटा। और उसके अलावा हर जगह पर बारीक करेंगे। मोटा कैसे होगा? दोनों किनारे लगा देंगे। और बारीक कैसे होगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? करें शुरू फिर बेटा, शाबाश।